बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राज्य में शराबबंदी की हुई है, लेकिन फिर भी वहां के लोगों को शराब से दूर नहीं रख पा रहे। हाल ही में बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां शराब की लत के चलते एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी लापरवाही को अंजाम दे दिया। दरअसल रेलवे का एक असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन में यात्रियों को छोड़कर अपनी लत को मिटाने के लिए चला गया। वो पपली लोड ट्रेन को ट्रेन पर छोड़कर घंटों के लिए गायब हो गया और ट्रेन स्टेशन पर ही रुकी रही, जिससे अन्य ट्रेन के यातायात पर भी असर पड़ा। लोको पायलट के काफी समय से गायब होने के बाद जीआरपी ने उसकी तलाश शुरू की तो वो पास के एक बाजार में शराब के नशे में धुत मिला। उसकी तो चलने की भी हालत नहीं थी तो वो ट्रेन कैसे चलाता। जीआरपी ने फौरन लोको पायलट को गिरफ्त में लिया। ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन छोड़ने के बाद करीब एक घंटे चलकर 45 किलोमीटर दूर हसनपुर स्टेशन पर ठहरी थी। वह समस्तीपुर से 139 किलोमीटर दूर सहरसा जा रही थी। इस सवारी गाड़ी को उस स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट ही रुकना था ताकि राजधानी एक्सप्रेस वहां से क्रॉस कर सके। ट्रेन के लोको पायलट के इतनी देर तक गायब रहने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई, जिसके बाद रेल प्रशासन ने दूसरे लोको पायलट के साथ ट्रेन को रवाना किया। फिलहाल नशे में चूर हुए उस लोको पायलट पर कार्यवाही चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ड्राई स्टेट होने के बावजूद उसे वहां शराब मिली कहां से। इसको लेकर भी जांच की जा रही है कि आखिर प्रदेश में शराब की सप्लाई कर कौन रहा है और पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक भी कैसे नहीं हुई।